दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड मैच होने वाला है दिल्ली कैपिटल वर्सेस पंजाब किंग्स, इसका मैच मुलनपुर स्टेडियम न्यू स्टेडियम में मैच खेला जाने वाला है इसका, जो कि दोस्तों इसका प्रेडिक्शन आज हम देख लेते हैं। इसके मैच पिच क्या होने वाला है और आपको इस पिच पे कौन कौन से प्लेयर यहाँ पर सुटेबल हो सकते हैं, मेरा प्लेइंग 11 क्या होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों इस मैच को कौन जीत सकता है, किसके चांसेस ज्यादा है, क्यों मैं कह रहा हूँ चांसेस ज्यादा है, वो सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। उसके लिए दोस्तों अगर आप कोई टीम बनाते हैं फैंटेसी लीग तो आपको ये वीडियो देखना जरूर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपको 2 करोड़ रुपए जीतते हैं तो आप वीडियो जरूर देखोगे। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इस मैच में कौन कौन से मतलब क्या कौन कौन सी टीम यहाँ पर क्या क्या प्लेयर को खिलाने वाली है, किस कॉम्बिनेशन से आप खेलोगे तो आपको मैच जीतने को मौका मिलेगा। साथ ही हम यहाँ पर देख माने तो दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग्स दोनों ही अभी तक आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाए कभी भी। दोस्तों दिल्ली कैपिटल फाइनल तक पहुंची है, फाइनल में हार गए वो, बट यहाँ पर काफी अच्छा उन्होंने मैच खेले हैं और अभी काफी इंप्रूवमेंट टीम और बैलेंस टीम यहाँ पर दिल्ली कैपिटल की हमें लगती है ओवर पंजाब किंग्स। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर ले तो इनके टाइटल के बीच टाइटल को जीते नहीं है, स्कोर इनको काफी बेहतरीन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये इनके लाइनअप में जो कि किस किस प्लेयर को यहाँ पर खिलाने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनका जो मैचेस है वो महाराजा रविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुलनपुर चंडीगढ़ में होने वाला है, जो कि इस स्टेडियम का पहला मैच होने वाला है और नया नया स्टेडियम बना है इसके अंदर पहला मैच ही खेला जाएगा। शाम के 3:30 बजे से मैच शुरू होगा 23 तारीख को और इसका जो लाइव चैनल होगा वो जियो सिनेमा पे आपको टेलीकास्ट होगा। और अगर हम पिच रिपोर्ट की माने तो ये जो पिच रिपोर्ट है आपका ये मतलब काफी बॉलर्स फ्रेंडली तो नहीं होता है, पाटा विकेट होता है और काफी तगड़े इसमें बैटर्स के लिए फेवर करता है। तो ये वो इसके जो और जो ये पिच है इस पे काफी ज्यादा बैट्समैन यहाँ पर चलेंगे, पाटा विकेट है, बॉलर्स के लिए उतना फेवर नहीं होगा जितना बैट्समैन के लिए होगा। और इस पिच का एवरेज स्कोर जो कहा जाता है मतलब पहला इनिंग में 168 स्कोर हाईएस्ट स्कोर इस पिच पे है, तो देखते हैं एवरेज स्कोर है तो देखते हैं इसके ऊपर आईपीएल में तो जरूर कंफर्म है कम से कम 170 180 तो बनेगा ही बनेगा। अभी तक का इसका एवरेज स्कोर माना था 168 रन। अब देखते हैं दोस्तों जो मतलब ये जो आंकड़े हैं ये सैयद मुश्ताक अली के आंकड़े हैं जो इस ट्रैक के ऊपर खेला गया है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें, जो प्रेडिक्शन प्लेइंग 11 क्या होने वाला है दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग्स की, तो यहाँ पर विकेट कीपर में हमारे पास 3 ऑप्शन है, जितेश शर्मा और ऋषभ पंत है। तो जितेश शर्मा और ऋषभ पंत को हम दोनों को यहाँ पर रखेंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ दोनों को हम रखेंगे क्योंकि दोनों की टीम के बहुत धाकर बल्लेबाज है, ऋषभ पंत अभी वापसी कर रहे हैं। साथ ही साथ बैट्समैन में यहाँ पर देख लेते हैं तो बैट्समैन में हम यहाँ पर 3 बैट्समैन तो रखने ही वाले हैं जो कि शिखर धवन, डेविड वार्नर और पृथ्वी शो, ये 3 हमारे पास बल्लेबाज होंगे कंफर्म। अभी हमारे पास 5 हो गए, जितेश शर्मा, ऋषभ पंत, 2 क्रिकेट कीपर, 3 हमारे पास बल्लेबाज, डेविड वार्नर, शिखर धवन, पृथ्वी शो, 3-2-5 प्लेयर हमारे पास ऑलरेडी हो गया। अब हम ऑलराउंडर में आते हैं तो यहाँ पर हम मिचेल मार्श को जरूर रखेंगे, साथ ही साथ अक्षर पटेल को रखेंगे, सैम करन को रखेंगे और लियम लिविंगस्टन को रखेंगे। ये 4 ऑलराउंडर को हम कंफर्म अपने टीम में रखने ही रखने वाले हैं, इनको हम कहीं भी अपने टीम से हटाने वाले नहीं है क्योंकि ये बहुत ही धाकर बल्लेबाज है, बहुत तगड़े खेलते हैं। अब हम बॉलर में आते हैं तो बॉलर में भी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास अभी फिलहाल 4 और 5, 4-5-9 हो गए। अब हम बॉलर में हमारे पास कितना है, 3 बॉलर को हम सिर्फ ले सकते हैं जिसमें से हम यहाँ पास कुलदीप यादव है, कगिसो रबाडा है और अर्शदीप है, हम इन तीनों को अपने टीम में रखेंगे। 9-3-11 प्लेयर हमारे पास हो चुके हैं। तो अब हमारे पास आता है एक जो कि हमारे पास इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आप किसी को भी खिला सकते हो, नेथन एलिस को हम यहाँ पर पंजाब किंग्स के लिए रखेंगे और दिल्ली कैपिटल के लिए यहाँ पर किसी भी प्लेयर को आप इंपैक्ट प्लेयर में रख सकते हो। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन ये बैठ रहा है 11 का जो कि काफी बेहतरीन ये टीम यहाँ पर बन सकता है। और यहाँ पर जो हम अपने टीम के कैप्टन रखे हैं, कैप्टन में आपके डेविड वार्नर और मिचेल मार्श, ये 2 हमारे पास, दोनों में से किसी को भी आप कैप्टन रख सकते हो, 2 कैप्टन में आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो। फिर हम वाइस कैप्टन की बात करें तो अक्षर पटेल और सैम करन, इन दोनों में से ही आप किसी को वाइस कैप्टन बना सकते हो आप अपने टीम के हिसाब से। अब हम बात करें तो इन सभी में से आपको कौन सा प्लेयर लगता है कि आपको जीतने को मतलब टीम जीत सकती है, पहले हम इंपैक्ट प्लेयर देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। इंपैक्ट प्लेयर में अथर्व टाइडे है, मैथ्यू शॉट है, नेथन एलिस है, शिवम सिंह है और हरप्रीत भाटिया है, ये हमारे पंजाब के पास हो गए। दिल्ली में हमारे पास पृथ्वी शो तो चलो ओपनिंग करेंगे मुस्तफिजुर रहमान हो गए, चेतन सकारिया हो गए, यश डूल, सरफराज खान, इन सभी की जगह पे आप इंपैक्ट प्लेयर किसी न किसी को खिला सकते हो। और यहाँ पर अगर देखें तो प्रिडिक्शन क्या है कौन सी टीम यहाँ पर जीतेगी, वो है दिल्ली कैपिटल, क्योंकि दिल्ली कैपिटल की टीम काफी बैलेंस्ड टीम है एज कम्पेयर टू पंजाब किंग्स, तो इसी हिसाब से दिल्ली कैपिटल यहाँ पर जीतेगी। बाकी आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें, आपका प्लेइंग 11 क्या होने वाला है वो भी हमारे साथ कमेंट में शेयर जरूर करें, बाकी चैनल सब्सक्राइब करें, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।